मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू अवर न्यू ब्लॉग। सबसे पहले आप सभी को नवरात्रियों की हार्दिक शुभकामनाएं। और गाइज, पिछले कुछ दिनों से मैं ब्लॉग नहीं डाल रहा था, उसका रीजन ये था कि मेरा एक एग्जाम था, सो मैं घर गया था और कल ही मैं यहाँ आया हूँ। और कल आने के बाद से मेरा क्या हो रहा है दिखाता हूँ आपको। ये जो दिख रहे हैं आपको पर पेज फैले हुए, ये सब असाइनमेंट लिख रहा हूँ। मेरे असाइनमेंट छूट गए थे और बाकी जो काम वगैरह था वो भी छूट गया था, सो वो कर रहा हूँ। सो गाइज, अभी हम चलते हैं कॉलेज को, क्लास है तो आज तो खाली मैथ की क्लास पढ़ेंगे 9 से 10, उसके बाद फिर हॉस्टल आएंगे, फिर दिन में 2 बजे से क्लास जाऊंगा मैं। और होगा मुझे पता नहीं, मैं अपना बता रहा हूँ। सो गाइस, जो भी आप यहाँ पर डेकोरेशन प्रोग्राम वगैरह देख रहे हो या प्रिपरेशन देख रहे हो, ये सब इसलिए है क्योंकि आज हमारे कॉलेज में एलुमिनी मीट था, जिसमें 1998 में पास हुए बैच के सारे सीनियर्स जो उस टाइम के उस बैच में 1998 में पास हुए थे उनका मीटअप था। सो उनके वेलकम के लिए सारे डेकोरेशन और प्रोग्राम वगैरह किए गए थे। बाकी का आपको आगे ब्लॉग में देखने को मिल जाएगी, कौन कौन से प्रोग्राम हुए और उन्होंने क्या क्या किस तरीके से गाइड किया और अभी वो कौन कौन सी पोस्ट पर और कहाँ कहाँ है करके। सो गाइस, सुबह 10 बजे हमारे सारे एलुमनीज कॉलेज पहुंच गए थे। कॉलेज पहुंचने के बाद उन्होंने आपस में एक दूसरे से मुलाकात करके अपने पुराने दिनों को याद करा और हमारे एचओडी सर से भी मुलाकात करी, क्योंकि उस टाइम 1996-97 के टाइम पे हमारे एचओडी सर ने ही उनको पढ़ाया था। उसके बाद उन सभी का स्वागत हुआ टीका वगैरह लगा के, रिबन वगैरह काट के। फिर आगे का आप दिखाते हैं आपको प्रोग्राम। एलुमिनीज के वेलकम के बाद शुरू हुआ एलुमिनीज का सेल्फ इंट्रोडक्शन सेशन, जिसमें एलुमिनीज ने ये बताया कि वो भी कहाँ और कौन सी पोस्ट पे जॉब करते हैं। हमारे काफी सारे एलुमिनीज साइंटिस्ट थे, कुछ डीआरडीओ में तो कुछ डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम लैब में, कुछ एलुमिनीज हमारे एब्रॉड में थे और कुछ तो एंटरप्रेन्योर थे। सो जिसे जानकर काफी अच्छा लगा। सो बाकी आगे के देखते हैं आप कल्चरल प्रोग्राम। Yeah.
अच्छे एंटरप्रेन्योर्स हैं, और बल्कि जो जो जॉब कर रहे हैं वो लोग आपको बहुत सारा बिजनेस भी दे सकते हैं, कुछ अच्छा हो करते हो तो उनकी प्रॉब्लम उनसे पूछो प्रॉब्लम क्या है और आगे बढ़ना चालू करो, राइट। रास्ता ढूंढना है, चलने चालू कर देना है। एंड प्लीज वो जो खाली जो व्हाट्सएप पे रील आता है और जो यूट्यूब का खाली उसको देख के नहीं बनेंगे इंजीनियर, उनको देख के इंजीनियर नहीं बनेंगे। ये अपन एक और दूसरा प्रॉब्लम है जो सबसे बड़ा है, वो क्या ना, हम लोग यूट्यूब वीडियो देखते हैं, उसको देख के लगता है हमें कि हमने हमें नॉलेज आ गया। बुक पढ़ो, प्लीज रीड बुक्स। वो यूट्यूब वीडियो देखने से इंजीनियर नहीं बनते, ध्यान रखना। इंजीनियरिंग इज स्किल, वो साइकिल मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा यहाँ पे, राइट। उससे कोई इंजीनियर नहीं बनेगा। कोडिंग करो, काम करो। इंजीनियरिंग इज एन स्किल, वो करने से आती है, इट्स अबाउट डूइंग, राइट। तो ये इन लोगों ने बहुत अच्छा काम किया, राइट। बाकी इनफैक्ट जो 18 लोग थे, 18 लोगों ने बहुत अच्छा, इनफैक्ट यू शुड कॉल ऑल ऑफ देम हियर, राइट। आई लाइक देयर, सबके आइडिया अच्छे थे, राइट। आप सब लोग प्लीज यहाँ पे आइए, एक फोटो खींचे, एंड मैं चाहता हूँ आप सब लोग उन आइडियाज को और रिफाइन करो। कॉपी पेस्ट नहीं करने का है, अपना ओरिजिनल थॉट है, आपके अंदर बहुत कुछ है, राइट। उसको उसके ऊपर आगे काम करो, डेफिनेटली यू मेक अ प्रोडक्ट आउट ऑफ इट। थैंक यू। सबको रास्ता है सर, आप लोगों ने बहुत मजा आया जूनियर्स को, किसी को नहीं बचा जाएगा। और दूसरी चीज, द गर्ल्स परफॉर्म, बॉयज वेयर वर यू। हम लोग इंतजार कर रहे थे कि कोई तो आएगा, कोई तो आ जाएगा। प्रोग्राम के एंड में सीनियर्स की सारी पुरानी फोटोज़ को, उनके कॉलेज टाइम की फोटोज़ को और कॉलेज की उस टाइम की फोटोज़ को इकट्ठा करके एक स्लाइड के रूप में दिखाया गया, जिससे कि हमारे जो जितने भी एलुमनीज आए थे वो अपने पुराने टाइम को, अपने कॉलेज टाइम को याद कर पाए। सो गाइज, मैंने सोचा तो था कि 10 बजे 9 से 10 बजे क्लास लेके हॉस्टल चले जाऊँगा, पर मैं जा नहीं पाया क्योंकि मैं यहाँ प्रोग्राम में चले गया था। आज हमारे कॉलेज में एलुमनी का मीट, एलुमनी मीट था, वो भी 25th, मतलब 1998 में जो बैच पास आउट हो गया था उनका मीटअप रखा गया था, तो काफ़ी अच्छी अच्छी पोस्ट पे है। सो मैं भी आपको अपने से उसमें देखा होगा, अभी जो स्टार्ट जो प्रोग्राम था उसमें देखा होगा। बाकी अभी हॉस्टल जाते हैं, 2 बजे से थर्मो क्लास है, अब उसमें जा पाते हैं नहीं जा पाते हैं कोई पता नहीं है। और पहले तो लंच करते हैं, अभी सुबह तो अच्छा खासा मौसम हो रहा था, अच्छी खासी धूप आई थी, तो वो मैं अभी आपको यहाँ पर का मौसम दिखाता हूँ। और गाइस, जो अभी ये गाड़ियाँ जा रही हैं, इन गाड़ी में सारे पास आउट सीनियर्स बोले तो एलुमिनी है सारे के सारे, और ये लोग जा रहे हैं पूरे कैंपस विजिट करने के लिए, मतलब आज से 25 साल पहले
मतलब आज से 25 साल पहले ऐसा था और हम ऐसा छोड़ के गए थे, अभी इतना डेवलपमेंट हो गया। मतलब साल देखने के लिए, अपनी यादों को रिकॉल करने के लिए इस चीज़ के लिए जा रहे हैं। सो जाने देते हैं, हम लोग हॉस्टल जाके पहले लंच करते हैं। सो गाइज, लंच के बाद जो हमारी थर्मो की क्लास थी वो कंप्लीट हो गई है, और अभी जो हम जितने बंदे सब क्लास में आए थे सब जा रहे हैं समोसे खाने। और समोसे खाने के लिए मतलब खुद के पास से कोई नहीं खा रहा। कल हमारे थर्मो वाले सर बोले तो अशोक सर का बर्थडे था, तो आज वो हम सबको पार्टी दे रहे हैं, समोसा पार्टी दे रहे हैं। तो सब सब अभी हम समोसे खाने जा रहे हैं। ये कुछ लोग ये हैं, बाकी आ रहे हैं। बारिश हो रही है और ठंडा भी हो रहा है, तो सर को बी लेटेड हैप्पी बर्थडे और थैंक यू फॉर समोसा पार्टी। पहले जाते हैं, समोसे खाते हैं आराम से। सो गाइज, अभी कॉलेज से हम लोग आ गए। आने के बाद अभी हो गया हमारा सरस्वती मंदिर में आरती का टाइम, तो अभी हम लोग वहीं जा रहे हैं। पहले नवरात्रि चल रहे तो वहाँ आरती वगैरह कर लेते हैं, प्रसाद वगैरह ले लेते हैं, फिर उसके बाद हॉस्टल में आएंगे। और हॉस्टल में अभी लाइट भी नहीं है, यहाँ मौसम ख़राब हो रहा है जैसे मैंने आपको दिखाया था। सो हॉस्टल में लाइट भी नहीं है, तो अगर हॉस्टल में लाइट आ गई तब तो सही है। जो मेरा असाइनमेंट वगैरह बचा है, जो काम छूटा था वो कर लेंगे, और नहीं आई कोई नहीं फ़ोन चला लेंगे। मेरे को जो ये ब्लॉग एडिट करना है ये कर लूँगा। बाकी आप देख सकते हैं हमारे सिविल के भाई, ऐसा लग रहा है जैसे रात को आ रहे हैं पर अभी 5 ही बज रखे हैं, बेचारे कॉलेज से आ रहे हैं। यही है वो सो गाइज, हमारी सिविल वाले आ रहे हैं कॉलेज से और हम लोग सब जा रहे हैं मंदिर को। कोई नहीं, क्योंकि हमारी जो शाम को 4 से 5 की क्लास थी ना, वो सुबह 9 से 10 करवा दी हमने सर से बोल के। मैथ पढ़ाते सर, तो हमने कहा सर शाम को पढ़ने की एनर्जी रहती नहीं है, और फिर शाम को उतना मन भी नहीं करता पढ़ने का। सो सर ने कहा चलो कोई नहीं, अगर इसी बात है तो मैं तुमको 9 से 10 पढ़ा दूंगा। तो सही है, हमारी जो शाम को 4 से 5 की क्लास है 9 से 10 हो जा रही है, हमारा पूरा टाइम यूटिलाइज हो जा रहा है। शाम के टाइम हम फ्री हो जा रहे हैं, ऐसा नहीं लग रहा कि हम रात को आ रहे हैं। तो अभी पहले मंदिर जाते हैं, आरती वगैरह करते हैं पूरे श्रद्धा भाव के साथ, फिर मिलते हैं आपको। सो गाइस, मंदिर जाके भी आ गए हैं और हमारा डिनर भी हो गया है, और बाकी अब करता हूँ मैं असाइनमेंट अपने और बाकी ये व्लॉग एडिट। और आपको एक बात और बतानी थी, जो हमारे कॉलेज में आज एलुमनी मीट था उसकी अगर जो प्रोग्राम की जो पूरी वीडियो देखना चाहते हो, उसको मैंने अपने जो यूट्यूब चैनल है उसमें अलग से अपलोड कर रखा है, तो चैनल पे जाके जो पूरे डांस प्रोग्राम जो भी है उसको देख लेना। बाकी व्लॉग में तो मैंने खाली थोड़ा शॉर्ट में रख रखा है, बाकी जो उसकी फुल डिटेल वीडियो तो नहीं बोलूंगा, जो फुल डांस की वीडियो, फुल प्रोग्राम वीडियो है, जो फुल जो भी चीज़ है, तो वो मैंने अलग से अपलोड कर रखी है सेपरेट वीडियो, तो आप उसको जाके देख लेना। तो आपको मिलता है कल को नए ब्लॉग में। टिल देन बाय, गुड नाइट। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना और करवाना ना भूले। गुड नाइट।